हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप ट्रैवल बिजनेस लीड्स को पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके पोटेंशियल लीड्स है, कई बार क्या होता है आप उन्हें भी कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो मैं इसमें कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने पोटेंशियल लीड्स को इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी लीड जब आपके पास आती है तो उनको आपसे क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो ट्रस्ट, वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें, और दूसरा आप उनको बेस्ट डील प्रोवाइड करेंगे या नहीं। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ट्रस्ट गेन करना उनका और दूसरा उनको बेस्ट डील प्रोवाइड करना। बात करते हैं आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं। ट्रस्ट गेन करने के लिए जो आपको उन्हें दिखाना होगा, आपका कंटेंट, जो प्रीवियस क्लाइंट है जिनकी आपने टूर पैकेजेस सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड की है, उनकी आपको वीडियोस बनानी है, आपके यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे आपको वो अपलोड करनी है, और जो आपकी नई लीड्स है उनको दिखाओ कि ये हमारे जो पुराने क्लाइंट्स थे, प्रीवियस क्लाइंट्स थे, वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं वहां की डेस्टिनेशन का, और आपके रिव्यूज दिखाओ, आपके जो फेसबुक पेज पे रिव्यूज हैं, जो गूगल पे रिव्यूज हैं, ये बाकी अदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे जो आपके रिव्यूज हैं वो आप नई लीड्स को दिखाओ। इससे क्या होगा, जैसे ही वो वीडियोस देखेंगे, आपके ऑनलाइन रिव्यूज देखेंगे, उनको एक ट्रस्ट आ जाएगा आप पे कि हाँ, आप उनको टूर पैकेजेस में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे ही आपने उनका ट्रस्ट गेन कर लिया, आप समझो कि आपने 80% आपकी लीड को कन्वर्ट कर चुके हो। अब बात करते हैं बाकी की 20% जो है आप लीड, वो कैसे आप उसको कैसे कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी की 20% कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे बेस्ट डील प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो 3-4 एजेंट से और रेट्स ले रहा होता है, इंक्वायरीज उसने वहां पे भी दे रखी होती है, तो जो उसे बेस्ट रेट्स, बेस्ट डील प्रोवाइड करेगा उसके साथ वो डील डन करेंगे। अब आप उसे कंप्लीट पैकेज की डिटेल, कंप्लीट आइटनरी, क्या क्या इंक्लूजन है और क्या चार्जेस है, आप उसे सेंड करो। अब वो बाकी से भी रेट मंगवा रखे हैं उसने एजेंट से, तो वो कंपेयर करेगा, अगर आपके रेट कुछ ज्यादा है तो उन्हें बताओ कि इंक्लूजन में आपने क्या ऐड कर रखा है, या दूसरी ट्रैवल एजेंसी का और आपका इंक्लूजन सेम भी है तो भी आप उन्हें बताओ कि आप कैसे बेस्ट सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, कितने टाइम से आप उसी डेस्टिनेशन पे काम कर रहे हो, या इस तरीके की आपकी कंपनी के बारे में आप बता के उसको कन्विंस कर सकते हो कि आप उन्हें बेस्ट डील प्रोवाइड कर रहे हो। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी आपके पास लीड्स आई है तो उन्हें आप जल्दी से जल्दी उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, आप कॉल करो उनको, व्हाट्सएप करो या ईमेल के थ्रू कोऑर्डिनेट करो। ऐसा ना हो कि आज लीड आई है और आज आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया और आप कल कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि लीड्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है और वो बिल्कुल ही बुक करना होता है उन्हें, अगर जो आपसे पहले और ट्रैवल एजेंट्स उनको कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो वहां से बुक कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक टिप और दे देता हूं कैसे फॉलो अप करना है और कब तक फॉलो अप करना है। फॉलो अप करते हुए आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने सारी डिटेल्स उनको सेंड कर दी, आइटनरीज के साथ रेट्स वगैरह सेंड कर दिए, इंक्लूजन सेंड कर दिए, ट्रस्ट उनका गेन कर लिया, आपके अकॉर्डिंग ये बेस्ट डील आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, और इसके बाद आपको पर फॉलो अप कैसे करना है। आपको हर 2 घंटे के बाद ये नहीं करना कॉल करके या व्हाट्सएप पे, सर एनी अपडेट, सर एनी अपडेट, ऐसे नहीं करना आपको, या सर आप टोकन अमाउंट ट्रांसफर करो, एटलीस्ट टोकन अमाउंट ट्रांसफर करो, या होटल में रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे, रूम्स सेल हो जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी करो, मतलब इस तरीके से फॉलो अप नहीं करना। फॉलो अप करने का सही तरीका, आप उन्हें सारी डिटेल्स सेंड करो, उसके बाद आप उन्हें व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो, सर आपको इसमें और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस ट्रिप से रिलेटेड, या कैसे मैं आपकी और इसमें हेल्प कर सकता हूँ आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप उनके टच में रहे पर उन्हें डायरेक्टली बुक करने के लिए ना बोले कि टोकन अमाउंट ट्रांसफर करो, सर एनी अपडेट, सर हमारे होटल में रूम्स फिर फिल हो जाएंगे, इस तरीके से ना कहो, पर उन्हें टच में रहो आप कि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये हमारे देखो सर कुछ क्लाइंट्स लास्ट वीक में गए थे, आप इनकी वीडियोज
देखो तो इस तरीके के मेथड्स अपना के आप उन्हें एक जेन्युइन तरीके से उनका फॉलोअप करो। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कब तक फॉलोअप करें। ऐसा नहीं है कि वो अब इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके टूर पैकेजेस में, या उसका किसी वजह से प्लान कैंसिल हो गया है, या उसने अपना प्लान चेंज कर लिया है, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है। तो कब तक फॉलोअप करें ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए जो आप कर सकते हो, आपने उनको सारी डिटेल्स भेज रखी होती है तो आप उन्हें व्हाट्सएप करो। कॉल करने से पहले आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हो। आप उन्हें व्हाट्सएप पे जेन्युइन तरीके से मैसेज करो, जेन्युइन तरीके से फॉलोअप करो। एक बार मैसेज करो, फिर अगले दिन करो, फिर उससे अगले दिन करो। अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो एक बार और उन्हें कॉल कर लो। अगर उसका भी रिप्लाई नहीं देते तो फिर उस लीड पे आप फॉलोअप मत करो, उसके बाद से उस पे मत करो फॉलोअप। उसके बाद आप जो बाकी की लीड्स हैं उन पे आप कंसेंट्रेट करो। इससे क्या होगा कि आपका इस पे टाइम भी बचेगा और जो बाकी की अदर लीड्स है आप उनको और ज्यादा टाइम दे सकोगे। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ध्यान रखना, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाइंट को जो भी आपके पास लीड्स आती है उनके आपका ट्रस्ट कैसे गेन करना है, ट्रस्ट कैसे दिलवाओगे, और दूसरा उनको कैसे आप बिलीव दिलवाओगे कि ये मैं आपको बेस्ट डील प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें किसी भी लीड को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थे। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास 100 जेन्युइन लीड्स हैं तो आप उनमें से कितनी कन्वर्ट कर रहे हो। मैं आपको और भी टिप्स इस पे दे सकता हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो कमेंट करके मुझे बताओ। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।